आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ ये है आलू मेथी की सब्जी। ये देखिए, मैंने मेथी को अच्छे से छांट के बढ़िया से धो के बारीक काट लिया है। मेथी के फ़ायदे तो सभी को पता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। तो हम इसको बनाएंगे ये आलू के साथ। ये है मेरी डेली की मसालदानी, और इसके साथ ये देखिए लहसुन के पत्ते। अगेन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हार्ट डिजीज़ में फ़ायदा है, डाइजेशन में बहुत अच्छा है। ये है हरी मिर्च, ये है टमाटर और ये प्याज। तो चलिए झटपट बनाते हैं चटपटी सी आलू मेथी की सब्जी। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में बनाने से एक हेल्प होती है, ऑटोमेटिक आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए सरसों तेल में बना रही हूँ, अगेन इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमने सरसों तेल दे दिया, इसमें हमने ये जीरा दे दिया, और ये जो हमने बारीक लहसुन की पत्ती काट के रखी थी वो भी इसमें दे दी है, और ये जो हरी मिर्च मैंने इसमें रखा था वो सब हम इसमें दे देंगे। लहसुन की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और लहसुन की कली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सीजनल है, अभी ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। तो कोशिश कीजिए कि सीजनल ही कुछ खाया जाए, फिर तो ये हमको नहीं मिलेगा। तो अब ये फटाफट से लाल होगा, 1 से 2 मिनट लगेगा इसको बढ़िया से लाल होने में। तो देखिए हमारी ये लहसुन की पत्ती बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने उबले हुए आलू रखे थे उसको इस तरीके से 4 फांक करके इसमें छोड़ देंगे। डिपेंड करता है किस तरीके का आलू है, लंबा है कि मोटा है कि पतला है, उस तरीके से हम इसको काटेंगे। ये देखिए ये ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है, बहुत तरीक़ों से बनती है। उसमें से ये आज बॉयल्ड आलू के साथ मैंने बनाया है, मैंने एक कच्चे आलू के साथ भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अब हम इसको छोड़ देते हैं 3-4 मिनट, बढ़िया से आलू लाल हो जाएगा। तो हम इसको ढक के 3-4 मिनट छोड़ देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आलू लाल हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू जो है वो धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गए। अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमने मोटे मोटे प्याज काट के रखे थे, बारीक नहीं काटना है, उसको डाल देंगे। ये जब मुंह में आता है बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं आलू मेथी की सब्जी। तो देख लेते हैं अब हम प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। ये देखिए इसके जो सभी के सभी पत्ते हैं वो अलग हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे जो हमने ये 2 टमाटर लिए थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए टमाटर धीरे धीरे अब गल चुका है। इसी टाइम में हम लोग इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। बहुत देखिए सबसे पहले मैं इसमें ये चिकन चिली मसाला मिलाऊंगी, इससे स्वाद और ही बढ़ जाता है आलू मेथी का, मसालेदार आलू मेथी का। और बेसिक मसालों में ये है नमक, साग में तो और थोड़ा कम ही देना चाहिए, क्योंकि साग गल के बहुत ही अपना पानी छोड़ता है, तो उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो शुरुआत में हम हमेशा से नमक कम डालेंगे, और लास्ट में टेस्ट करके उसको हम बैलेंस करेंगे। और ये डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको फिर से एक बार सौते करेंगे।
मेथी से। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना मेथी के, बहुत टेस्टी लगता है ये। अगर घर में कुछ भी सब्जी नहीं है सिवाय आलू प्याज के, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस 2 मिनट और उसके बाद हम इसमें मेथी को ऐड करेंगे। तो चलिए 2-3 मिनट हो गए, अब इसमें मेथी डालने का टाइम आ गया है। अब हम इसमें ये हमारा बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से डाल के और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सारा प्रोसेस एकदम धीमी आंच पे हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी इसमें हाई फ्लेम नहीं किया। तो हाई फ्लेम में करने से क्या होता है, कुकिंग हमारी जल्दी हो जाती है, लेकिन इसके जो पौष्टिक तत्व हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। अगर हम कुकिंग को स्लो प्रोसेस में करें, स्लो फ्लेम पे करेंगे, तो खाना भी टेस्टी बनता है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसी में रह जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए मेथी ने अपना पानी भी इसमें छोड़ दिया है, तो अभी इस सब्जी को तैयार होने में टाइम है, अगले 5 से 7 मिनट। पहले इसका ही पूरा पानी सुखाएंगे, उसके बाद इसको बढ़िया से भूनेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है, पास से देखिए नज़दीक से, टमाटर आलू, और हमने प्याज को भी ज़्यादा नहीं गलाया है। देखिए इसका भी क्रंचीनेस जब मुंह में आएगा तो क्या कहने। तो हम इसको फिर से छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट। हमारी सब्जी का क्या हाल है, ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, और मैं आप लोगों को वेफर्स भी पहुंचा दे रही हूँ अगर पहुंच जाए तो। देखिए सारा पानी सूख चुका है, और ये देखिए सब्जी ने धीरे धीरे कोने से तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको हम 2 मिनट ओपन ही पकाएंगे, ताकि अगर कहीं भी इसका पानी है तो वो जल्दी से उठ जाए। सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब ये मेरी आलू मेथी की चटपटी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी खाइए, खिलाइए, और कैसा लगा ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा। देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद अगर मेरी रेसिपी आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।